गाइस, क्या आप लोग भी हैंड टैटू वेयर करना चाहते हो लेकिन आप लोग डरते हो कि यार आपके घर वाले मारेंगे अगर आपने पापा से बोला तो आपका कुछ ऐसा हसन होगा। यार मैं भी डर रहा था कि मैं पापा से बोलूंगा कि पापा मुझे हैंड टैटू वेयर करना है तो यार मेरे को डर लग रहा था, लेकिन मैंने पापा से किस ना किस तरह का करके बोला ही, लेकिन यार पापा ने मेरी आरती उतार दी। फिर मेरे को एक आइडिया है यार, हैंड टैटू का तो मेरे को बहुत शौक है, क्यों ना जब मैं परमानेंटली वाला नहीं कर पा रहा, मैं टेम्परेरी वाला तो अप्लाई कर ही सकता हूँ ना। सो मैंने बाय करवा दिया पापा से ये वाला पैकेट, आप लोग देख पाओगे। एक्चुअली मैंने ये अमेजोन से बाय किया है ये पैकेट, एक्चुअली मैंने इसको पहले ओपन कर रखा था। इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे कई सारे टैटू स्टिकर्स जो कि बहुत ज़्यादा सही है। एक्चुअली ये टेम्परेरी टैटू होने वाले हैं, ये कोई परमानेंटली नहीं होने वाला है, बिकॉज परमानेंटली रहेगा तो यार आप लोग समझ सकते हो रिलेटिव्स जो हैं घर वाले हैं बाहर वाले हैं यार वो जीने तो देने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ यार, जो लोग अपने दिल की करते हैं ना वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि यार समाज भी देखना होता है, घर वालों रिलेटिव्स की बात भी सुननी होती है, जो बच्चों को सुननी है ना। तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन हैंड टैटूज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही सही है, एंड मैंने इसे अप्लाई किया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। एंड आप लोग कैसा लग रहा है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड इस हैंड टैटू का आप वेयर तो कर लोगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ अगर आप गर्मी के टाइम में वेयर करना चाह रहे हो तो आप लोग हाफ बाजू का पहन सकते हो। मतलब अगर आप गर्मी में इस हैंड टैटू को वेयर तो कर लोगे, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो किसी गर्मी वाली एरिया पे, किसी मतलब बहुत ज़्यादा आपकी हैंड्स पे या फेस पे स्वेटिंग हो रही है, सो आप लोग उस जगह पे जा रहे हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, हाफ स्लीव्स की जो शर्ट या टी शर्ट्स हैं आप उसे पहन के जा सकते हो। बिकॉज अगर आप फुल स्लीव्स की पहनोगे ना तो यार यहाँ से ना छूटने का चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे मैंने इसको हाफ कर रखा है बिकॉज उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये जो मेरे मेन टैटू है ना वो सेफ रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सही रहने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैंने इसे बाय किया था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली यार एक मिल रहा था 200 रुपये का और चार चार मिल रहे थे केवल 550 के आसपास के, तो यार मैंने सोचा कि चार लेने में फायदा, तो मैंने चार ले लिए थे। एंड आप लोगों को भी लेने हैं तो लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अब वहाँ से जाकर ले पाओगे। एंड हम लोग यार इसको देख लेते हैं, इसके लुक को, इसके मॉडल्स को कैसा कैसा है, एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने इसे कैसे अप्लाई किया एंड आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली इसमें आप लोगों को दो ही दिखेंगे बिकॉज एक मैंने लगा लिया है, एक मेरे भैया ने लगा लिया है। सो बट आप उसके सामने फुटेज देख पाओगे बिकॉज मैंने पहले इसकी फुटेज जो है वो ले ली थी। सो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पहला तो ये वाला, भाई ये वाला जो है ना बहुत ज़्यादा सही है। सामने आपको कई सारे रोप्स दिख रहे होंगे, मतलब रस्सियाँ, वो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये मुझे उतना भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैंने इसको ये वाला नहीं लगाया, थोड़ा सा डार्क शेड में भी था लेकिन ये वाला अच्छा नहीं लगा। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आता है थोड़ा सा ये वाला कंकाल है भाई, शुरू में मैंने इसको भी नहीं लगाया बिकॉज रात को अगर भूत वाले सपने आएंगे तो भाई मेरे को मम्मी पापा के पास सोना पड़ेगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एंड जो हमारे पास नेक्स्ट है वो आप लोग देख पा रहे हो सामने, ये जो कुछ ऐसे कलर का, जो कि मतलब ये भी बहुत ज़्यादा सही लगता है। कलर तो मतलब सबके सिंपल ही होने वाले हैं क्योंकि टैटू में ये वाला कलर जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये वाला कलर का मैंने लिया था। एंड जो लास्ट है वो आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा घना आ जाता है, तो मैंने ये वाला वेयर किया था जो कि बहुत ज़्यादा सही स्टाइलिश एंड बॉम लगा, थोड़ा सा डार्क टाइप का भी ना तो मेरे हाथ पे देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने ये वाला वेयर किया है। एंड आप लोग कैसे वेयर करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोगों को अगर और अच्छे से इसको वेयर करना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, आपको शेविंग जो ब्लेड होते हैं ना वो लेके अपने हैंड्स के जितने भी हेयर है ना उसको रिमूव कर देना होगा। जब आप रिमूव कर दोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होने वाला है आपके हैंड्स पे। लेकिन कुछ लोग घर पे परमिशन नहीं होते कि भाई वो अपने हैंड्स के जो हेयर है ना उसको रिमूव करें। एक्चुअली मेरे को भी परमिशन नहीं मिली कि मैं अपने हाथ के जो हेयर है ना वो रिमूव करूँ। पापा कहते हैं भाई बड़ा अजीब सा लगेगा, रहने दो ऐसे ही, ऐसे अप्लाई कर लेते हो। मैंने कहा ठीक है पापा ऐसे अप्लाई कर लेते हो। बाय गॉड मैंने अप्लाई किया अपने हेयर को बिना रिमूव किए हुए, भाई बहुत ज़्यादा बॉम लग रहा है। मैंने इसको एक्चुअली सुबह का अप्लाई किया हुआ एंड तब से मैं सोया भी हूँ, गया भी हूँ, ऊट पटांग हरकत की है मैंने। एंड आप लोग देखोगे भाई छूटने की नौबत नहीं आई, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। आप लोग सामने फुटेजेस भी देख पा रहे होगे, मतलब यार आउट ऑफ नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। सो ये बहुत ज़्यादा सही है। एंड आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने मान लो कि हेयर नहीं रिमूव किया, आप लोग ऐसे ही अप्लाई करना है, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को हैंड टैटू है ना उसको ऊपर की एक पन्नी आती होगी उसको नीचे से निकाल देना होगा। एंड उसको क्या करना होगा, पहले तो आपको पीछे से जो वाटर स्प्रे ना मार के उसको थोड़ा सा ना जो पेपर है वो हल्का हल्का मुलायम सा कर लेना होगा, ताकि जब आप अपने हैंड्स पे रखो ना तो वो अच्छे से चिपकने में मदद करे। तो आपने वाटर स्प्रे मार लिया एंड सामने से आप लोगों को पन्नी निकाल के अपने हाथ पे रखना होगा एकदम प्यार से। आप लोगों को याद रखना होगा आपने एक बार ही रख दिया ना तो आप लोगों को दोबारा उठाना नहीं होगा, नहीं तो वहीं पर चिपक के जब दोबारा उठेगा ना तो वो जो चिप जो स्टिकर है वो यहाँ पे कुछ कुछ चिपका रह जाएगा और जब आप उसको उठाओगे तो भाई वो अजीब सा लगने वाला है। तो इसलिए जहाँ पे आप लोगों ने रख दिया उसको रख के सीधा दबा दो अच्छे से। आप लोगों ने दबाने के बाद आप लोग चाहते हो और अच्छे से ही चढ़ जाए तो आप लोग क्या करना होगा, इसके ऊपर आप लोग को जो गीला टावल है ना वो इसके ऊपर रखना होगा। आप लोगों को निचोड़ना भी नहीं होगा उस टावल को, आप लोगों ने पानी में ऐसे ऐसे खंगाला एंड उसको सीधा रख देना होगा ताकि वो जो स्टिकर है वो अच्छे से पूरा चिपक जाए, पूरा मुलायम होकर आपके हाथ पे अच्छे से शेप आके वो पूरा चिपक जाए।
तो आप लोग ऐसे चिपकाना होगा एंड आप लोगों ने इसको पूरा अच्छे से चिपका लिया एंड उसके बाद आप लोग अच्छे से दबाना भी होगा। आप लोग देख पा रहे होगा एक्चुअली कितने अच्छे से दबाया जा रहा है जो कि मतलब मेरे हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा सही लगने वाला है अभी, तो भाई मेरे को इंतजार नहीं हो रहा था इसको देखने का। सो जैसे मैंने इसको हटाया मतलब अच्छे से चिपक गया था, पूरा मुलायम हो गया था, तो मैंने इसको टॉवल को पहले हटाया एंड उसके बाद मैं इसको पेपर को भी धीरे धीरे हटा रहा था एंड जस्ट लाइक आप लोग देखोगे ना भाई बहुत ज़्यादा बॉम लुक लगा। ऊपर से थोड़ा ख़राब हो गया था बिकॉज ऊपर इसकी थोड़ी सी ब्रांडिंग जो थी ना वो मुलायम सी थी, तो वो ऊपर ब्रांडिंग चिपक गई थी एंड जब हमने इसको हटाया तो ब्रांडिंग उखड़ी थी बस, मतलब पूरा टैटू नहीं उखड़ा था, सिर्फ ब्रांडिंग उखड़ी थी। इसको हमने बाद में अच्छे से साफ कर दिया था, जो कि आप लोग देख पाओगे जो बाद में टैटू है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से चिपक गया, कहीं पर बुलबुले फूले फूले से भी आ रहे थे, तो उसको क्या किया ऊपर से पानी मार के मैंने उंगली से प्रेस करके इसको दबा दिया एंड उसके बाद जो भाई लुक आया ना मेरे हैंड टैटू का वो आप लोग स्वयं खुद ही देख पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। एंड मैं आप लोग को बता दूँ कब से कब तक चलने वाला है, बिकॉज मैंने इसको लगाया मेरे को एक्सपीरियंस तो हो गई कि कब से कब तक चलेगा। तो अगर गर्मी का मौसम है ना तो ये आप लोग का चल जाएगा मैक्सिमम 4 से 5 दिन खींच लेगा किसी ना किसी तरीके से, अगर आप गर्मी वाले एरिया पे नहीं जाते हो तो। अगर आप गर्मी वाले एरिया पे जाओगे तो भाई तब तो मुश्किल ही है खींचना, अगर ठंड की बात है तो यार ठंड में तो मैक्सिमम 10 से 15 दिन तो आराम से खींच लेगा, बिकॉज ठंड में ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती हमारे हैंड्स पे एंड जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा से टाइट रहते हैं, सो उस समय ज़्यादा नहीं निकलता है ये। सो 9 से 10 दिन तो आपके आराम से खींच लेने वाला है गर्मियों में, जो कि बहुत ज़्यादा सही रह सकते हैं। अगर आपको बाय करना है तो आप लोग इसे बाय कर सकते हो, लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड इसमें अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आया, कुछ कन्फ्यूजन्स वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसका रिप्लाई मैं आप लोगों को जरूर देने वाला हूं। और दोस्तों मुझे करना इंस्टाग्राम पर फॉलो, बिकॉज मैं इसकी जो पिक्स वगैरह है वहाँ पर अपलोड होने वाली है ना, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, नहीं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर देने वाला हूँ। एंड यार नहीं पुराने बंदे हो तो ना वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ, चैनल को सब्सक्राइब, तब तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।